हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं बारबेक्यू चिकन विंग्स। तो दोस्तों, तैयार है हमारा ये वीडियो बारबेक्यू चिकन विंग्स कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज बना रहे हैं हम बारबेक्यू चिकन विंग्स। इसके लिए हमने कर दिया है डाइस ऑनियन और ये है हमारी बारबेक्यू चिकन विंग्स। इसको कर दिया है हमने थो और अब हम इसको करने वाले हैं NSN। ये है हमारे बारबेक्यू चिकन विंग्स। तो दोस्तों, इस तरह से बन गया हमारा मैरिनेशन। मैरिनेशन में हमने डाला है फ्लावर, चिली फ्लेक्स, एग और हमने इसमें डाला है चिली पेस्ट और हमने इसमें डाला है देगी मिर्च और इसके बाद हमने इसको कर दिया है मैरिनेशन और इसके बाद हम इसको कर रहे हैं क्रम। इस तरह से हमने इसको कर दिया है क्रम और इसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। और दोस्तों, इस तरह से हमारे बारबेक्यू चिकन विंग्स हो रहे हैं फ्राई। और दोस्तों, इसके लिए हमने काट दिए हैं बेल पेपर, ऑनियन और अब हम बनाने वाले हैं बारबेक्यू सॉस। और अब हमने डाल दिया है गार्लिक ऑयल और हम गार्लिक को थोड़ी देर तक ब्राउन करेंगे इस तरह से। और दोस्तों, इसमें डाल दिया है हमने बेल पेपर, ऑनियन और इसको कर रहे हैं हम रोस्ट। दोस्तों, हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाते हैं, ये हम पकाएंगे केवल 20 सेकंड तक। और इस तरह से अब हम इसमें करने वाले हैं ऐड बारबेक्यू सॉस। और दोस्तों, बारबेक्यू सॉस का वीडियो हमने अपने यूट्यूब में डाल रखा है, आप देखते रहिए हमारा चैनल बारबेक्यू सॉस कैसे बनाते हैं। और दोस्तों, अब हमने इसमें ऐड कर दिया है चिकन विंग्स और अब हम इसमें डालने वाले हैं बारबेक्यू सॉस। इस तरह से हमने इसमें ऐड कर दिया बारबेक्यू सॉस और इस तरह से बन रहा है हमारा बारबेक्यू चिकन विंग्स। तो दोस्तों, इस तरह से रेडी हो गया हमारा बारबेक्यू चिकन विंग्स। तो दोस्तों, इस तरह से बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह से बन गया हमारा बारबेक्यू चिकन विंग्स जो गेस्ट के लिए एकदम रेडी है। तो दोस्तों, फिर बने रहे हमारे वीडियो में, आपके लिए लाते रहेंगे हम नई नई वीडियो। और दोस्तों, आपको हमारा चैनल कैसे लगा, लाइक शेयर कमेंटमेंट करते रहिए। जो लोग वीडियो पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।